हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। गाइस, अब प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि डेली अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। तो इस वीडियो में आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं चैप्टर 9 और क्लास 9 के चैप्टर नंबर 9 की थ्योरम नंबर 9.1। तो थ्योरम इज पैरलोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरल्स आर इक्वल इन एरिया। तो आपको यहाँ पे ये जो लाइन है, पैरलोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरल, इसका मतलब मैंने आपको पहले समझा दिया है कि इसकी क्या कंडीशन होती है। जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था 9.1 का, वहाँ मैंने समझाया था कि दो पैरलोग्राम हो या कोई भी दो फिगर हो, एक ट्राइंगल हो गया, एक पैरलोग्राम हो गया, क्योंकि चैप्टर का नाम आपका क्या है, एरियाज ऑफ पैरलोग्राम एंड ट्राइंगल्स। तो एक पैरलोग्राम का पैरलोग्राम से होगा, पैरलोग्राम का ट्राइंगल से होगा। तो यहां इस थ्योरम में दो पैरलोग्राम है जो कि देखो दोनों का सेम बेस है। ये सी डी जो है वो ए बी सी डी एक पैरलोग्राम है, ई एफ सी डी एक पैरलोग्राम है। तो दोनों का बेस आपका सेम है, इसका बेस भी सी डी है और इस दूसरे वाले का बेस भी सी डी है। बिटवीन सेम पैरल है, यहां देखो दोनों पैरल लाइन, यानी कि ये एक लाइन है ए एफ और एक है सी डी। तो दोनों पैरलोग्राम आपके इन्हीं पैरल लाइन्स के बिटवीन में है। थर्ड पॉइंट आपका ये है कि जो दो पैरेलल लाइंस है उसमें से एक पैरेलल लाइन पे तो आपका बेस हो गया, जो दूसरी पैरेलल लाइन है आपकी ये ए एफ हो गया, तो जो दूसरा पैरेललोग्राम है उसकी वर्टिसेस भी उस पैरेलल लाइन के ऊपर ही होनी चाहिए। इस तरह से बीच में नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल इसके ऊपर होनी चाहिए। तीन कंडीशन होने पर ये कंडीशन हमारी फुलफिल होती है। तो यहाँ पर हमने वैसे ही फिगर बना लिया कि दो पैरेलोग्राम है जिनके सेम बेस है, बिटवीन सेम पैरेलल है, तो इसकी इसकी वर्टिसेस इस पहले पैरेलोग्राम की दूसरी पैरेलल लाइन पर हमने बनाई है। अब आपको यहाँ पर क्या बताना है कि इन दोनों पैरलोग्राम का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। यानी कि ए बी सी डी का एरिया हमें ई एफ सी डी के एरिया के इक्वल यहां पे प्रूव करके बताना है। तो बहुत सिंपल है। एक चीज आप अगर आप यहां पे देखोगे तो ये जो हमारा पोर्शन है ई बी सी डी, ये जो एरिया है ये इस वाले पैरलोग्राम के अंदर भी है और इस वाले पैरलोग्राम के अंदर भी है। तो इस तरह से देखो, अब मैंने फिगर को हाईलाइट किया, आपको अच्छे से समझ में आएगा कौन सा एरिया कॉमन है। तो ये आपका पूरा ब्राउन है, ये आपका पूरा येलो है। तो यहाँ पे देखो इस वाली शेड में आपको येलो और ब्राउन दोनों कलर दिख रहे हैं, तो ये एरिया मेरा यहाँ पे क्या है, कॉमन है। तो कॉमन वाले का एरिया तो दोनों के लिए सेम है, सिर्फ हमें इन दोनों ट्राइंगल का एरिया देखना है। अगर मैं यहाँ पे प्रूव करके बता दूँ कि इस ट्राइंगल ए ई डी ट्राइंगल का एरिया बी एफ सी ट्राइंगल के एरिया के इक्वल है, तो ये वाला इसके इक्वल हो गया, तो कॉमन इसमें ऐड करेंगे तो ये पूरा पैरेलोग्राम बन जाएगा। ये कॉमन इसमें ऐड करेंगे, ये पूरा पैरेललोग्राम बन जाएगा और हमारा एरिया दोनों पैरेललोग्राम का इक्वल हो जाएगा। तो सिर्फ जो चीज हमें यहां पे प्रूव करनी है कि दोनों पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल है, तो उसके लिए हमें सिर्फ यहां पे एक ही चीज प्रूव करके बतानी है कि इस ट्रायंगल का एरिया इस ट्रायंगल के एरिया के इक्वल है। तो 9.1 एक्सरसाइज का जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन कराया था, तब मैंने वहां पे आपको एक चीज एक्सप्लेन की थी कि दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उनका एरिया आपस में इक्वल हो जाता है। तो एरिया इक्वल करने के लिए यहाँ पे आपको साइड तो गिवन है नहीं कि हम यहाँ पे एरिया फाइंड कर लें और कैलकुलेट करके बता दें, तो आपको यहाँ पे दूसरे तरीके से जाना है। आपको क्या करना है, यहाँ पे इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, क्योंकि हमने स्टेट वहाँ पे इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनका एरिया इक्वल होता है, तो उसी स्टेटमेंट से हम इनका एरिया इक्वल करेंगे। तो सबसे पहले गिवन टू प्रूव लिख लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि हम इन दोनों ट्रायंगल का ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो गिवन टू पैरलोग्राम ए बी सी डी एंड ई एफ सी डी दैट हैव द सेम बेस, सेम बेस आपका कॉमन बेस बी सी डी है, एंड लाई बिटवीन द सेम पैरल्स, तो सेम पैरल्स आपके ए एफ और सी डी के बिटवीन में है। तो हमने यहाँ पे ये चीज़ हमें गिवन है क्वेश्चन में। फिर हमें प्रूव करना है कि दोनों पैरलोग्राम का यानी कि ए बी सी डी ई एफ सी डी का एरिया यहाँ पे हमें इक्वल प्रूव करना है। तो क्वेश्चन को या थ्योरम को प्रूव करने का ये पैटर्न है, पहले आपको गिवन लिखना है, फिर टू प्रूव लिखना है, कोई कंस्ट्रक्शन अगर हमें करना है तो कंस्ट्रक्शन लिखना होता है, नई कंस्ट्रक्शन करना तो डायरेक्ट प्रूफ हो जाता है। तो सबसे पहले जो भी फिगर आपको गिवन है उसकी जो भी प्रॉपर्टी आपको पता है वो आप लिख लो, क्योंकि हमें पता है दो ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंट करने हैं, तो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमारे पास या तो एंगल इक्वल करो या साइड इक्वल करो। तो कॉन्ग्रुएंसी की जो हमारे रूल है उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि यहां पर इसमें कौन सा कॉन्ग्रुएंट रूल लगता है। तो पहले हम पैरलोग्राम की प्रॉपर्टी से यहां देख लेते हैं कि कौन कौन से एंगल यहां इक्वल होंगे, कौन कौन सी साइड यहां पर इक्वल होगी। तो आप यहां पर क्या लिखोगे, वी नो दैट अपोजिट साइड्स ऑफ
तो सिंस अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरलोग्राम आर पैरेलल एंड इक्वल, यानी कि पैरलोग्राम की अपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती है, तो यहाँ हमने लिख दिया इन पैरलोग्राम ए बी सी डी, एक पैरलोग्राम हमने ये ब्राउन बॉर्डर वाला ले लिया यानी कि ए बी सी डी, तो ए बी सी डी में ए बी पैरेलल होगा डी सी या सी डी के और ए बी इक्वल भी होगा सी डी के, सेम ए डी पैरेलल होगा बी सी के एंड ए डी इक्वल होगा बी सी के। फिर दूसरा पैरलोग्राम ई एफ सी डी लेते हैं, तो ई एफ सी डी में ई एफ पैरेलल होगा सी डी के और इक्वल भी होगा, सेम आपका ई डी पैरेलल होगा एफ सी के और इक्वल भी होगा। तो ये हमने दोनों पैरेलोग्राम की जो हमें प्रॉपर्टी पता है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर आप यहाँ पे देखो साइड्स हमारी ये इक्वल हो गई, अभी हमें कोई एंगल भी इक्वल करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देखो जब दो लाइन, हमने ये चैप्टर पढ़ा है लाइन्स एंड एंगल्स के अंदर, कि दो लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल उसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे क्या होते हैं इक्वल, यानी कि जो एफ पे बन रहे होते हैं, तो एंगल वन इक्वल टू एंगल टू हो जाएगा, एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फोर। तो इस तरह से एफ पे जो बनने वाले एंगल होते हैं वो हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। तो आप यहाँ पे देखो इस तरह से ये आपका ये पूरा एफ बन रहा है, तो ये वाला एंगल यानी कि मैं इसको ले लेती हूँ एंगल वन, हमारा एंगल टू के क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं, ये दिख रहा है आपको, ये स्टैंडिंग लाइन और ये एफ वाली लाइन, तो एंगल वन एंगल टू के इक्वल हो जाएगा। तो यही हम यहाँ पे लिख लेते हैं। नाउ अगेन ए डी पैरेलल है आपका यहाँ पे, ए डी पैरेलल है बी सी के और ए बी हमारी यहाँ पे ट्रांसवर्सल है, ए डी पैरेलल बी सी विथ ट्रांसवर्सल, विथ ट्रांसवर्सल हमारे यहाँ पे क्या है, चाहे तो आप ए बी लिख लो चाहे ए एफ लिख लो, तो मैं ए एफ लिख लेती हूँ। तो एंगल वन मेरा इक्वल हो जाएगा एंगल टू के, रीजन आप यहाँ पे क्या लिखोगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे इक्वल होते हैं इसलिए ये हमारा इक्वल हो गया। सेम हम यहाँ पे भी ले लेते हैं, अब हम इस एंगल को, ये वाला जो एंगल है इस ट्राइंगल का, ये एंगल हम इस एंगल के इक्वल कर लेंगे, सेम आपका यहाँ करस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टी लगेगी। तो नाउ यहाँ पे आप लिखोगे ई डी, यानी कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये ई एफ जो है वो हमारी ट्रांसवर्सल है। नाउ ई डी पैरेलल एफ सी, और हमने एफ सी लिखा था, यस, एंड विथ ट्रांसवर्सल, विथ ट्रांसवर्सल ई एफ, ठीक है। तो ये आप इसको एंगल थ्री ले लो, ये एंगल थ्री हमारा एंगल फोर के इक्वल हो जाएगा। तो अभी आपका एफ कैसे बन रहा है, ये स्टैंडिंग लाइन है, ये आपकी यहाँ पे दो स्लीपिंग लाइन, तो यहाँ से एंगल थ्री मेरा एंगल फोर के इक्वल हो जाएगा और सेम रीजन। तो अब हमने दोनों ट्राइंगल ले लिए, जो भी हम यहाँ पे इक्वल कर सकते थे हमने कर लिया, साइड्स को इक्वल कर दिया, एंगल्स जो भी इक्वल कर सकते थे कर लिया। अब दोनों ट्राइंगल में आप यहाँ पे देखो, तो इस ट्राइंगल का एंगल वन इस ट्राइंगल के एंगल टू के इक्वल है, अच्छा सॉरी, आपका एंगल फोर यहाँ नहीं बनेगा, यहाँ बनेगा, क्योंकि लाइन तो उसकी ये वाली थी ना, ये वाली, ये देखो इस तरह से एफ बन रहा है, ये इस तरह से, तो ये एफ है, ये ई है और ये इसकी ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के, ठीक है। तो दोनों ट्राइंगल हमने ले लिए, तो एंगल वन मेरा एंगल यहाँ पे टू के इक्वल है, तो आप यहाँ पे लिखोगे एंगल वन इक्वल टू एंगल टू, तो ये हमने कहाँ से लिखा, जस्ट अभी हमने प्रूव करके बताया फ्रॉम थर्ड से, और एंगल थ्री मेरा एंगल फोर के इक्वल है, तो ये भी जस्ट हमने अभी यहाँ पे राइट किया, तो ये फ्रॉम फोर से हो गया। और कोई भी एक साइड लो, ए डी इक्वल टू मैं यहाँ पे ले लेती हूँ एफ सी, जो हमने अभी प्रूव किया था, ए डी इक्वल हमने बी सी लिखा था, यस, ये यहाँ पे, ठीक है, इस ट्राइंगल की साइड ए डी, इस ट्राइंगल की साइड बी सी के क्या है, इक्वल है, इस ट्राइंगल में ए डी आ रहा है, इस ट्राइंगल में बी सी आ रहा है, तो आप यहाँ पे लिख दोगे ए डी इक्वल में बी सी, तो ये हमने कहाँ से लिखा, फ्रॉम फर्स्ट से। तो अब आप देखो यहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया बन रहा है कॉन्ग्रुएंट करने के लिए, तो आपका बन रहा है एंगल एंगल साइड, साइड बिटवीन में नहीं है, नहीं तो एंगल साइड एंगल हो जाता, बट यहाँ पे आएगा एंगल एंगल साइड, और यहाँ पे भी एंगल एंगल साइड हो रहा है, तो एंगल एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो दोनों ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिए बाय एंगल एंगल साइड से। अब दोनों ट्राइंगल जो कि कॉन्ग्रुएंट है, तो हमें पता है कि कॉन्ग्रुएंट फिगर का एरिया भी इक्वल होता है, ये स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो हैंस एरिया ऑफ ए डी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एफ सी का, दोनों ट्राइंगल का एरिया हमने इक्वल करके बता दिया। बस अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इस वाले ट्राइंगल में ये पोर्शन ऐड करना है, इस वाले ट्राइंगल में ये कॉमन पोर्शन ऐड करना है, तो हमारा जो पैरलोग्राम का एरिया हमें इक्वल लेकर आना था वो आ जाएगा। तो नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए
बी सी डी आपका किसके इक्वल हो जाएगा, इस ट्राइंगल के और ई बी सी डी कॉमन वाला जो पोर्शन है दोनों के सम के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि ये ट्राइंगल हमारा इसके इक्वल है तो इसकी जगह ये पुट करके लेफ्ट हम ये वाला लेकर चलेंगे लेकिन राइट हम ये येलो वाला पैरेललोग्राम लेकर आ जाएंगे। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डी आपका हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई डी प्लस एरिया ऑफ जो ऊपर को कॉमन पोर्शन था ई बी सी डी, ये वाला, ये जो कॉमन पोर्शन है ना ये वाला, इसका एरिया। तो अब हम ए डी का यानी कि इसको हम यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हो गया ये फिफ्थ ले लेते हैं। तो ए डी की जगह हम यहाँ पे क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट है तो हम ए डी की जगह यहाँ पे क्या रख सकते हैं, बी एफ सी रख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल, या जस्ट अभी हमने यहाँ लिखा ना तो इसको हम फिफ्थ ले लेते हैं क्योंकि ये हमारे इक्वल होते हैं। तो ये हमने इसकी इसकी इक्वल है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एफ सी हमने इसकी जगह पुट कर दिया प्लस ये आपका सेम रह गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ई बी सी डी। तो आप यहाँ पे देखो बी एफ सी ट्राइंगल में कॉमन पोर्शन ऐड किया तो ई एफ सी डी आपका पैरेललोग्राम बन गया। तो ये इक्वल टू हो गया एरिया ऑफ ई एफ सी डी। तो हैंस प्रूव, हमने अप्रूव कर दिया कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ई एफ सी डी। तो इस तरह से आपको इस थ्योरम को प्रूव करना है, बहुत सिंपल है, बिल्कुल लॉजिक से मैंने आपको एक्सप्लेन किया, कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। जो भी मैंने यहाँ पे राइट किया वो कैसे किया, क्यों किया, कौन सी स्ट्रेटेजी से इसको प्रूव किया वो मैंने आपको सारा एक्सप्लेन किया। तो एक बार अगर पूरा वीडियो देख लोगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, ईजिली इसको सॉल्व कर पाओगे। तो अभी भी अगर आपको कोई डाउट है इस थ्योरम से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।